बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार प्राची दहलान, जो जल्द नजर आएंगी सीरियल 51 में सुशील के किरदार में। सीरियल की कहानी में सुशील को उसकी माँ के मरने के बाद उसके दादाजी, पापा, चाचा और मामा ने उसको पाला है और हमें सुशील ने मिलवाया अपने सभी माँओं से। आज मैं आप सबको मिलाने वाली हूँ अपनी तीन माँओं से, चौथी अभी शायद खाना खाने में बिजी है तो, और तीनों मेरे जितनी लंबी हैं, तो मिलिए मेरी तीन माँओं से। हाय, मेरा नाम नंबर वन मेरा नाम प्रियांक टटारिया है और मैं इस शो में मेहुल पारेख का किरदार निभा रहा हूँ, जो मेरे मापा जो फादर है, लेकिन ये प्यार से मुझे मापा कहती है। माँ से माँ आया है और पापा से पा आया है, इसलिए मापा। मिलिए मेरी दूसरी माँ से। हाय, ये मुझसे सबसे लंबी फैमिली में ये माँ है मेरी। हाय, मैं नीतीश पारेख का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि है सुशील का काका, यानी कि ये बेसिकली माँ का अम्मा पा ही ज़्यादा है, बताऊँगा कैसे। काका, और तीसरी माँ? यार, मैंने तो एक्चुअल हक अदा किया क्योंकि मैंने साड़ी भी पहन ली माँ बनने के लिए। माई नेम इज़ पुनीत पंजवानी, आई एम प्लेइंग नरेश इन दिस शो। सो नरेश का जो कैरेक्टर है बहुत हैप्पी गो लकी, बहुत मजाकिया किस्म का इंसान है, बहुत ईजी गोइंग है, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। और सुशील और नरेश का जो बॉन्डिंग है वो ये है कि हर लड़की का एक अपनी माँ के साथ एक अलग कनेक्शन होता है, कि जो बात अपने वो फादर या भाई से नहीं बोल पाती है वो फटाक से जाके अपनी माँ को बता देगी। आई एम श्योर विमेन विल एग्री विद मी। तो जो सुशील है वो सारी चीज़ें जो बाप को नहीं बता सकती या अपने फादर या अपने भाई को या किसी चाचा को नहीं बता सकती, वो मुझे आके बताती। मेरा मानना नहीं है ये, इसका मानना ये मेरे दादाजी है, दादाजी नहीं, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे खानदान की बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसे मैं बचपन से लेकर के इसके इतने बड़े होने तक प्यार करता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि ये अपने लड़की है तो लड़की बन के रहे, संस्कार वो सीखे, लेकिन अब क्या है, घर में कोई माँ नहीं थी तो ये सुशील को बड़े होने के बाद ना आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि सारे बच्चों की हाइट गई किस पर है। वेल, इस शो में अब प्राची का किरदार कुछ ऐसा है कि उसकी आदतें और पहनावा लड़कों जैसा है और उसकी हाइट भी काफी लंबी है, तो उसकी शादी की चिंता उसके दादाजी को सताए जा रही है। वो तो बाकी मेरी चार माए हैं, वो तो हम पसंद करेंगे, ये थोड़ी पसंद करेगी। टेंशन तो दादाजी को है कि लड़का कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि जो हाइट है, जो क्वालिटीज़ है, हम तीनों को कोई टेंशन नहीं है। हमें पता है इसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, तो लड़का कैसे भी मिल जाएगा, और मिलेगा उसको भी चेंज कर देगी। वेल, वी होप सीरियल 51 की न्यूज़ जानकर आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज़ एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ।